जो सुभाषितानी पाठ आज पढ़ेंगे। सुभाषितानी पाठ का पहला श्लोक है, अन्यायोपार्जित वित्तम दस वर्षाणि तिष्ठति। अन्याय धन उपार्जितम, अन्यायोपार्जितम माने अन्याय से कमाया गया, अन्याय से इकट्ठा किया गया धन, वित्त माने धन, दस वर्षाणि तिष्ठति माने दस वर्ष तक ही रहता है। दस वर्ष का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि कुछ ही समय तक रहता है। प्राप्ते च एकादशे वर्षे, प्राप्ते च धन एकादशे वृद्धि संधि, ग्यारहवें वर्ष के आने पर समूलम तद विनश्यति माने वह संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। मतलब गलत तरीके से, अवैध तरीके से कमाया गया धन बहुत अधिक दिन तक टिका नहीं रहता है। दूसरा श्लोक है, अति व्ययो अनपेक्षा च तथा अर्जनम अधर्मतः मोक्षणम दूर संस्थानम कोश व्यसनम उच्यते। माने कोश व्यसन माने धन को इकट्ठा करने की बुरी आदतें, माने धन किन लोगों के पास एकत्र नहीं होता है। अति व्यय माने जो बहुत अधिक धन खर्च करते हैं, अनपेक्षा च और जो धन की लापरवाही करते हैं, धन को रखने में लापरवाही करते हैं, कहीं भी इधर उधर डाल देते हैं। अति व्यय जो बहुत अधिक धन खर्च करते हैं, जो धन की परवाह नहीं करते हैं। तथा अर्जनम अधर्मता और जो अधर्म से धन एकत्रित करने का प्रयास करते हैं, माने अधर्म गलत तरीके से जो धन कमाते हैं। मोक्षणम और धन को छोड़ करके हट जाते हैं, धन का त्याग कर देते हैं। दूर संस्थानम और दूर रहते हैं, दूर स्थित रहते हैं धन के से का परवाह नहीं करते और हट जाते हैं। ये सब धन को एकत्रित करने में सहायक नहीं होते हैं, ऐसे लोगों के पास धन कभी भी इकट्ठा नहीं होता है। इसके बाद अगला श्लोक है, नालसाह प्राप्नुवन्ति अर्थान न शठा न च माहिना न च लोका अपवाद भीता न च शश्वत प्रतीक्षणः। माने अर्थान माने धन को, धन को न प्राप्नुवन्ति माने नहीं प्राप्त करते हैं। धन को कौन लोग नहीं प्राप्त करते हैं? आलसाह, आलसा माने आलस्य करने वाले, न अर्थान प्राप्नुवन्ति माने धन की प्राप्ति नहीं करते हैं। और कौन नहीं करता है? शठा माने जो शठ है, धूर्त है। न च मायना और जो झूठ बोलने वाले हैं। न च लोका अपवाद भीता और संसार के बुरे भले से डरने वाले कि लोग क्या कहेंगे, हम ये काम करेंगे तो लोग ऐसा कहेंगे, लोग हम ये कार्य करेंगे तो हम लोग ऐसा कहेंगे। लोका अपवाद से डरने वाले और सदैव प्रतीक्षा में रहने वाले कि अब अवसर आएगा तो मैं धन कमाऊंगा, ऐसे लोग कभी भी धन की प्राप्ति नहीं करते हैं। इसके बाद अगला श्लोक है, वरम दारिद्र्यम अन्याय प्रभवाद विभवाद इह। इह माने इस संसार में, वरम माने श्रेष्ठ, दारिद्र्यम माने दरिद्रता, दरिद्रता श्रेष्ठ है उस धन से, विभव माने धन, उस धन से जो अन्याय से कमाया गया है। अन्याय से प्राप्त होने वाले धन की अपेक्षा दरिद्रता अधिक श्रेष्ठ है, गरीबी अधिक श्रेष्ठ है इस संसार में। उसी प्रकार श्रेष्ठ है जिस प्रकार कृशता अभिमता देह माने शरीर में दुर्बलता होना अधिक श्रेष्ठ है पीनता न तो शोभता माने सूजन से मोटापा होने से अच्छा शरीर में दुर्बलता अधिक श्रेष्ठ होती है। माने शरीर मोटा हो जाए लेकिन शरीर में ताकत ना हो, सूजन से मोटापे से कोई लाभ नहीं होता है। उसी प्रकार से अन्याय से कमाया गया धन से अच्छा है व्यक्ति का दरिद्र रहना। आज के लिए बस इतना ही।